तो इस वक्त हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड मैदान में। यही वो मैदान है जहां पर अब से कुछ ही देर में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती रैली को संबोधित करेंगी। तो अब देर ना करते हुए सीधा, क्योंकि कुछ ही देर में जो बसपा सुप्रीमो है वो इस मैदान में आने वाली है, तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, मैदान से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको लगातार देंगे। तो सबसे पहले जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ होता है बहन जी की रैलियों में, वो होता है हेलीपैड। आमतौर पर जो लोग हैं, जो बहन जी को सुनने के लिए आते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि बहन जी को हेलीकॉप्टर से जाते और आते समय हम लोग देख सकें। तो वही नज़ारा हम सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि जिस तरह से यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है उसके चारों तरफ जो समर्थक हैं वो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं टेम्परेरी, उन पर किस कदर चपटे हुए हैं, किस कदर उन पर जो है वो हावी हैं। इतने लोग आपको मंच की तरफ नहीं मिलेंगे जितने लोग उस जगह मिलेंगे जहां पर बहन जी जो है वो आने वाली हैं। तो यहां मैदान से जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। और एक बार अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर जो पंडाल है उसमें तकरीबन 1000 ही लोग बैठ पाएंगे, और वो भी तस्वीरें हम अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बहन जी की रैलियों में आमतौर पर एक आकर्षण का जो केंद्र बन जाता है हेलीपैड, तो हेलीपैड के आसपास का जो नज़ारा है वो हम आपको एक बार दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो बहन जी के समर्थक हैं वो उनको एक नज़र देखने के लिए किस तरह से उतावले रहते हैं। लगातार आमतौर पर उनकी रैलियों में यही देखा जाता है। अब से कुछ ही देर में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसी मैदान में, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड होगा, उसके बाद वो सीधे मंच पर पहुँच करके और जनसभा को संबोधित करेंगी। तो हम लोग चलते हैं अब अंदर, और अंदर का क्या कुछ नज़ारा है पंडाल में वो भी सब हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार आप हमारे साथ में बने रहिएगा, अलीगढ़ में चुनावी जनसभा से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। और मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि जो हेलीपैड है उसको एक बार दिखाएं, और चारों तरफ जो समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं, जो बैरिकेडिंग है उस पर एकदम से लदे हुए हैं, और प्रयास करेंगे कि आपको जो है इस मैदान से जुड़ी हुई हर वो तैयारी जो लगभग अंतिम पड़ाव पर है रैली से पहले वो हम दिखा सकें। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें जो इसका मेन द्वार है वहाँ पर जो बहन जी के समर्थक हैं वो एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। हम प्रयास करेंगे अंदर तक जाने के लिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हटना भी हटने की जरूरत। तो देखिए किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम आते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह की मशक्कत यहाँ पर हमको हुई आने में, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि बहन जी को रैली को देखते हुए किस तरह की जो सिक्योरिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी ज्यादा मशक्कत हम लोगों को हुई। तो पंडाल के अंदर का नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो कोविड नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम बहन जी को सुनने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार इसी पैटर्न पर बहन जी की रैलियाँ की जा रही हैं, उसी तरह का मंच और उसी तरह की व्यवस्था जो लगातार अब तक देखने को मिली है। अगर दूसरा बटन दबा दिया, साइकिल वाला दबा दिया, एक बार कहूंगा मैं कैमरामैन से कि मंच को दिखाएं, अब यहीं से कुछ ही देर में फिर भी करोड़ों लोगों जो बसपा सुप्रीम है वो यहां से जो है कुछ ही देर में संबोधन करेंगे, और पंडाल लगभग पूरी तरह से तैयार है। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं भीड़ को, हालांकि कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठे हुए हैं जिनके पास स्पेशल पास है। जिन लोगों के पास पास होंगे वही यहाँ पर बैठे होंगे, और बाकी जो टेम्परेरी बैरिकेटिंग है एक बार हम वहाँ भी चलेंगे। तो जो
बहन जी को सुनने के लिए और भी लोग हैं, वो आपको टेम्परेरी बैरिकेडिंग के पास मिलेंगे। यहाँ वो लोग होंगे जिनके पास सिर्फ पास होंगे, यहाँ पर किसी और व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने पीछे तस्वीरों में देखा होगा कि हमको भी यहाँ पर आने में कितनी मशक्कत हुई थी। एक बार मैं फिर कहूँगा कैमरामैन से कि जो बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाए गए हैं और वहाँ लोग जो बेसब्री से बहन जी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी एक बार आप दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से बहन जी के इस रैली में जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इसके बाद हम मैदान के बाहर भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है इस पूरे मैदान में सुरक्षा को लेकर के भी इंतजाम किए गए हैं। लगातार बहन जी की इस अलीगढ़ की चुनावी जनसभा में सारा अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब मैदान के दूसरी तरफ।